हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद लुक्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एफसीए असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे आसान बुक आने की कौन सी रहेगी, जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, फेज वन एंड फेज टू। तो उसी के रिगार्डिंग में पूरी अपडेट आपके लिए लेके आया हूं, तो वीडियो के साथ बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आगे की न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें आपके चार सब्जेक्ट रहने वाली है, इंग्लिश, मैथ, जीके एंड रीजनिंग, चार सब्जेक्ट होगी, और एक जनरल साइंस भी है जो आपके जीके में इंक्लूड है। तो कुछ रिगार्डिंग जो 500 की बुक है वो मैं आपको आज बताऊंगा, जिससे आपको तैयारी करने के लिए सबसे आसान रहेगी। जो ई बुक हर कोई स्टूडेंट यानी कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करता तो वो बुक जरूर पढ़ता है, जिन्हें जीके आता है तो वो बुक इन बुक से जरूर पढ़ता है। तो इन बुक के आधार पर आपको पूरा सिलेक्शन लेना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में मैं दो बुक आपको सजेस्ट करूंगा, जिसमें एक है अग्रवाल एग्जाम का, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये बुक आपको उपलब्ध होगी। यानी कि कुछ इसमें जो टॉपिक होंगे तो आपको इंग्लिश में हिंदी में दिए होंगे, उनको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, और जो आपको इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप उनको हिंदी में समझ सकते हैं। इस बुक की एक खासियत है, एक बुक है अरिहंत की, जो पूरी इंग्लिश में ट्रांसलेट है, तो इस बुक को सिर्फ आपको इंग्लिश में देख सकते हैं। अरिहंत की बुक, ये दोनों बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आपको जो पसंद है वो बुक आप इसमें से ले सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए सबसे फायदेमंद होगी रीजनिंग और मैथ में। तो इसकी भी आपको स्क्रीन पे फोटो देखी होगी, जो आर गुप्ता नाम से इसकी ये बुक है, जो ये काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी इस बार चर्चा में भी है। ये बुक हर स्टूडेंट कोई लेने की कोशिश कर रहा है, आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप उनको वापस रिटर्न भी कर सकते हैं बुक, ये आपके लिए फायदा है। अगर आप दुकान से लाएंगे तो रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो ऑनलाइन परचेज करने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए कि मैथ और रीजनिंग के लिए, अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल बुक, तो पर्सनल बुक आप प्रीमियम पब्लिकेशन की मैथ की ले सकते हैं, और रीजनिंग में आप ले सकते हैं अरिहंत की। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, मैथ में प्रीमियम पब्लिकेशन और रीजनिंग में अरिहंत की, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित है जो रीजनिंग की अरिहंत की बुक है। तो इन बुक का आप ले सकते हैं। मैं तो रीजनिंग दोनों के आपको पता चल गई, इसमें इंग्लिश की भी पता चल गई। तो देखते हैं जीके में, जीके में आपको अगर बुक लेनी है तो आप किसी भी बुक लें, पर आपको एनसीईआरटी के आधारित भी आपको बुक लेनी है, क्योंकि इन्हीं के आधारित आपके लगभग एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसी बुक लें जिसमें आपका एनसीईआरटी का पैटर्न ज़्यादा हो, जैसे कि महेश बर्णवाल की बुक है, तो इस बुक आप ले सकते हैं, जिसमें लगभग पूरा एनसीईआरटी के आधारित पेपर है, जो क्लास 6 से क्लास 12 तक इसमें सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन पूरा क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इस बुक को ले सकते हैं। अगर और कोई आपको बुक लगते हैं कि एनसीईआरटी के आधार पर यह बुक अच्छी है, तो वो भी आप ले सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई बुक आपको मिल भी सकती है। तो आप इन बुक को लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टॉप बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हर कोई कैंडिडेट यानी कि इन बुक से आपको तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं। आप उनकी एग्जाम यानी कि रिव्यू आप देख सकते हैं कहीं पर भी, यूट्यूब पर भी, और किसी फ्लिपकार्ट या अमेजोन की डिटेल से भी। और जीएस की बात करें यानी कि जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के लगभग आप एनसीईआरटी के आधार पर बुक ले, तो मैंने आपको सजेस्ट करूंगा अरिहंत की, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज आपको लगभग डिटेल से सार से इसमें टॉपिक दिया हुआ है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और अगर प्रैक्टिस सेट लगाए तो आप प्रैक्टिस सेट किसी भी और कोई बुक भी ले सकते हैं, यानी कि रेलवे की बुक भी ले सकते हैं, या कोई सीरियल पैटर्न की कोई बुक है तो वो भी आप ले सकते हैं जनरल साइंस में। ज़्यादातर बेटर आप लगभग 200 या 300 के अराउंड बुक ले, जिससे आपको बेनिफिट रहेगा। तो आपको आराम से लगभग 200-300 के बीच में सारे बुक, प्रति बुक आपको 200-300 के बीच में आपको सारी बुक आपको मिल जाएगी। और अगर टेस्ट बुक पास आप जरूर खरीदिए, क्योंकि टेस्ट बुक पास आप लेंगे यानी कि मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको लगभग टाइमिंग यानी कि टाइमिंग बहुत कम समय इसमें, तो आपको टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो आपको टाइमिंग को यानी कि कम समय में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कम टाइम में। तो आप मुफ्त टेस्ट लगाना जरूर स्टार्ट करें। टेस्ट बुक पास यानी कि आप मेरे आपको कूपन कोड लग रहे होंगे, तो इस कूपन कोड से आप परचेज करते हो आपको लगभग एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपको टेस्ट बुक यानी कि मुफ्त टेस्ट लेने के लिए आपको सबसे आसान रहेगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो आप SBI क्लर्क की भी लगभग इसमें एग्जाम की यानी कि मुफ्त टेस्ट लगा सकते हैं, जो आपको FCA में बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि FCA का लेवल थोड़ा SBI के पैटर्न थोड़ा कम ही रहेगा। तो आप SBI क्लर्क
IBPS क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इनके आप मॉक टेस्ट जरूर लगा, जिससे आपको थोड़ा एडवांस आपकी तैयारी हो जाएगी, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आसान रहेगी। पहले आप FCI के पैटर्न को फॉलो करें, उसके बाद लगता है कि ये कुछ मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद आपके SBI के पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। तो पूरी अपडेट आपको मिलती होगी, तो अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं आपको आगे की और भी अपडेट आपको दे सकूँ। तो आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।